अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अजरंदी किचन। आज अपने किचन में बनाना सिखाएंगे आपको शादियों वाला देगी जरदा यानी मुतंजन। और मुतंजन में जो आप चिकन वाला मुतंजन बनता है, अगर आप चाहते हैं आपको मैं चिकन वाला मुतंजन सिखाऊं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वह रेसिपी। और ये रेसिपी भी मेरी बहुत ज़बरदस्त है, आपको अगर आप इसको बनाएंगे इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी भी यानी कि आपका जरदा मुतंजन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, चलें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आधा किलो हमने गोल्डन राइस लिए, उन्हें हमने अच्छे से धो के भिगो दिया था। 2.5 लीटर पानी बॉयल कर लिया था, अब उसमें हमने चावल ऐड कर दिए हैं। मिक्स कर देंगे, कवर करके हम इसे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। दस मिनट हो चुके हैं, इसमें अच्छे से बॉयल भी आ गया है। अब हम इसे एक बार मिक्स करके और देख लेंगे कि कितनी इसमें और टाइम लगेगा। ये देखें, अभी इसमें थोड़ी कसर है। अब हम इसे खुला ही पकाएंगे और धीमी आंच पर यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पर पका रहे हैं हम इसको। अब हम इसे चेक करेंगे, इसमें भी थोड़ी सी कसर है, लेकिन अब हम इसको इसी पानी में 10 मिनट और रख देंगे फ्लेम ऑफ करके। बस हमने चावल छान लिए थे, 1/2 कप घी ऐड किया है, आप देसी घी भी ले सकते हैं। 5 छोटी इलायची और 5 लौंग ऐड कर दी हैं इसमें, इन्हें हम कड़कड़ा लेंगे। बस बॉयल राइस जो हमने रखे हुए थे उनकी लेयर लगा देंगे। घी में हम चावल ऐड कर रहे हैं, 1/2 अभी ऐड कर देंगे, 1/2 हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि हम ये लेयर लगा रहे हैं। अब हमने यहाँ 150 ग्राम चीनी लिए यानी कि 1 कप है, थोड़ी बचाई है। अब हम बाकी के चावल इस पर ऐड कर देंगे, इस तरह से सारे ही ऐड कर देंगे हम इस पर क्योंकि हमारे चावल जो हैं 1/2 kg हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। दो लेयर में बनते हैं, बाकी की चीनी भी ऐड कर देंगे। अब हमने ये 50 ग्राम चीनी और ली है, तकरीबन 200 ग्राम हमने चीनी ऐड की है इसमें। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए चीनी मेल्ट होने तक दम पर रखेंगे। ये देखिए, मीडियम टू लो फ्लेम है हमारा इस वक्त। अब मैं आपको कोई यहाँ जब तक इसकी पानी ड्राई नहीं हो जाता, मैं आपको कोई इसमें से सीन कट करके नहीं दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने वो पानी किस तरह ड्राई किया है। इसको हम 30-30 सेकंड के वक्फे से चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे और बहुत एहतियात से मिक्स करेंगे क्योंकि चावल हमारे बिल्कुल कुक हो चुके हैं और ये टूट ना जाए। मैं जर्दे के चावल हमेशा फुल डन कर लेती हूँ यानी बिल्कुल उनको कुक कर लेती हूँ 100%, इस वजह से कि आपने देखा होगा ज़्यादातर घरों में जब चावल बनाए जाते हैं जर्दा तो चावल अकड़ जाते हैं, तो वो चीनी में जाने की वजह से अकड़ जाते हैं। और यहाँ हमने 1 टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड किया है। चावल 100% गला लेंगे तो वो कभी भी नहीं अकड़ेंगे। चीनी ने कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है अभी आपने देखा होगा, ये देखें साइड से। बस हम इसे 30-30 सेकंड के वक्फे से मिक्स करते रहेंगे। और यहाँ एक टिप शेयर करना चाहूँगी मैं आपके साथ कि आप कभी भी जर्दा बनाएं मुतंजन बनाएं, आप उसमें स्टील का चम्मच इस्तेमाल नहीं करें, उससे चावल अकड़ जाते हैं। आप ये सिलिकॉन का या आप वुडन स्पून इस्तेमाल करें यानी लकड़ी का चम्मच, तो आपके चावल कभी भी नहीं अकड़ेंगे। बस ये हो गए हैं। और यहाँ मैंने आपको आवाज़ सुनाई थी कि चावल हमारे किस तरह से जब पानी ख़त्म होने लगता है तो उसमें से आवाज़ आती है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चावल अब हमारे डन हो गए हैं, इसमें पानी ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें गार्निश कर दी हैं, बादाम पिस्ते भिगो के रखे थे उन्हें कट कर लिया छील कर, और ये अशर्फियाँ हैं जिन्हें हम टूटी फ्रूटी भी कहते हैं, जितनी आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। और ये पाउडर फॉर्म में मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया था जिसे मैंने पानी में डिसॉल्व नहीं किया। कुछ ड्रॉप हम ये फूड कलर के हैं जो आपने देखा होगा अक्सर मैं अपने केक वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ, तो बस वही मैंने कुछ ड्रॉप डाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा कलर ऐड नहीं करती
क्योंकि फिर वो वाइट कलर ख़त्म हो जाता है तो इतना अच्छा नहीं लगता। दस मिनट के लिए हमने दम पर रख दिया था और अब फ्लेम ऑफ कर दिया। अब हमें इसे बहुत हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, ये देखें इस तरह से। अभी हमने इसमें खोया और बाकी जो लवाजमात होते हैं वो ऐड नहीं किए हैं क्योंकि फिर चलाने में टूट जाते हैं। मैं ऊपर से ही गार्निश करती हूँ। अगर आप चाहें तो इस वक्त ऐड करके दम पे लगाते वक्त ऐड कर दें और मिक्स कर दें। फिर ये देखें अब कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। डिश आउट करके ये बिल्कुल रेडी हो गया है और इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। मज़ीद जो इसमें कलर आना होगा तो वो थोड़ी देर में आ जाएगा। चलें डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। जर्दे का ज़बरदस्त लुक, आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये आपने बाज़ार की देख से निकाल के रखा हुआ है या घर में आपने बनाया है। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक है, एक एक दाना इसका खिला हुआ बारीक, और आप देखें मैंने कलर कितना कम डाला था जिसकी वजह से कितना खूबसूरत और एकदम से खुशनुमा सा इसका कलर आया है। हर चीज़ अपनी क्वांटिटी के हिसाब से परफेक्ट है इसमें, एक एक दाना खिला हुआ है इसका। अगर आप इसे कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इस तरह के पार्सल ले लें, इस तरह के पार्सल बना लें और इजीली आप इनको शॉपर में रखकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखने में भी खुशनुमा और खाने में तो है ही ये लजीज मज़ेदार। तो आप आज की मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना तो सारी चीज़ों को आप डबल कर लें और बना लें। अल्लाह हाफिज़।